माता पिता, जिन्हें अंग्रेजी में पेरेंट्स कहा जाता है, वो हर बच्चे या बड़े के लिए बड़े प्रिय होते हैं। कोई भी शख्स इस दुनिया में अपने माँ बाप से बिछड़ना नहीं चाहता, और इसी प्रेम को जाहिर करने के लिए पेरेंट्स डे मनाया जाता है। हर साल जुलाई महीने के चौथे रविवार को पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। ये माता पिता के प्रति प्रेम जाहिर करने का शुभ दिन है, क्योंकि माता और पिता ही बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं तथा अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। माता बिना रुके दिन भर घर का काम करने के बावजूद अपने बच्चे की हर छोटी सी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती हैं, तो वहीं पिता प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे को किसी भी चीज की कमी ना हो तथा उन्हें हर चीज समय पर प्राप्त हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में माता पिता की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे आज ओम व्यास जी की कुछ कविताएं याद आ रही हैं। यह कविता बहुत ही भावपूर्ण है, माता और पिता के अहमियत को दर्शाती है। स्वर्गीय श्री ओम व्यास जी की यह कविता माता और पिता को समर्पित है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अपदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता प्रेम से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगह के प्रति आसक्ति है। पिता गृह आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं। वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। साथ ही ओम व्यास जी ने माँ के प्रति भी अपनी संवेदना, अपनी भावनाओं को इन कविताओं की चंद पंक्तियों में उकेर दिया है। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ, माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है। माँ, माँ मरुस्थल में नदी का मीठा सा झरना है। माँ, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ,
माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ मानुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ माँ बच्चों की चोट पर सिसकी है। माँ माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता।